जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज उसने यहाँ पे महसूस करी हो, मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए। चलो या सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल लुकिंग ग्रेट एंड टॉप 6 के लिए। हेलो 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 नो हाँ नो 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 ये तो वो वाला यार, आप में भी टीम है क्या? आ रहा माइक चालू है आपका। थैंक यू बिग बॉस। ओके तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ओके तो लेट मी रीस्टार्ट अगेन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग टू टॉप 6, सब कमाल के लग रहे हैं। अभिषेक एक सवाल आपके लिए, आपने अक्सर कहा है आप इमोशनली दिल से गेम खेलते हैं, तो ये दिल से वाला सवाल है, दिल से जवाब दीजिए। दिल से नहीं खेलता मैं। हाँ ठीक है, तो आज एक दिल से जवाब दीजिए कि जिस तरह आपने जो आपकी दोस्ती मुनव्वर के साथ निभाई है, आपको लगता है कि उन्होंने भी उस तरह की दोस्ती आपके साथ निभाई है, और जिस तरह आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आपको लगता है कि कभी वक्त आने पे वो आपके लिए इस तरह से स्टैंड लेगा? अभी वक्त बचा ही नहीं है जो, पर जब ईशा और मैं एक टाइम पे, पहले दो हफ्ते आपको पता है जो मैं उसके लिए फील करता था, और फिर समर्थ आया, वो फेज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खराब था। मतलब वो चीज मेरे लिए सबसे वर्स्ट थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ईशा किसी और के साथ है भी, और उसको मैं देख रहा था। और उस टाइम फिर मुनव्वर ने जब मेरा उस थर्ड वीक में मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, तब मैंने सोच लिया था कि यार ये इंसान मेरे इस मोमेंट पे खड़ा है ना, इसके साथ कुछ भी होगा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा कैसे भी करके। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बीच में समर्थ और ईशा के क्लोज हो गया था, मैं एक साइडलाइन लग रहा था, मैं बार बार इसके पास जाके उस चीज को कन्फेस करता था कि मुझे लग रहा है यार तू दूर हो रहा है, पर ये उसमें खुश था क्योंकि इसको बोरिंग बोला जा रहा था, तो एक फन एलिमेंट दिखाने के लिए समर्थ के साथ जा रहा था, तो मैं समझ रहा था कि कोई बात नहीं। और सलमान सर भी बोल रहे थे कि तेरा एक फन साइड नहीं बाहर आ रहा, तो ये समर्थ के पास जा रहा, तो मैं खुश था, कोई दिक्कत बात नहीं थी, मैं दूर रह के भी इसके साथ था। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहां पे गलत नहीं हूं, तू मेरे को ही क्यों गलत बोल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं इससे इतना अटैच हो गया था कि जब मेरे को कॉल आउट भी करता था, मेरे को लगता था तू साले क्यों कर रहा है, मतलब तू मत कर, बाकी कोई भी कर लो, ये अगर करता था ना मेरे को बुरा लगता था। जैसे एक दिन इसने, जब मैं वापस आया था दोबारा से थप्पड़ मारने के बाद, जब अंकिता जी ने, अंकिता जी के खिलाफ मैं बोला था और इसने स्टैंड लिया था, तो मैं बोल रहा था कि तू मेरे को मत बोल, बाकी कोई भी बोल रहा है ना मेरे को चल रहा है, तू मत बोल। तो मेरे को इसी चीज का बस गम था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता, मैं तेरे लिए पीछे से भी बोलता रहता हूँ तू गलत है आयशा के मामले में, तू बिल्कुल गलत है। मैं तब भी बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, मुंडे ऐवें करते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पंजाबी मुंडे सारे ऐ करते हैं, तू कर कोई बात नहीं। पर फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू भी थोड़ा सा मेरा स्टैंड ले लेगा तो सही है। बाकी मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे दिल से कनेक्टेड हूँ। आज एक मूवमेंट हुआ था जिसमें ये मनारा गाना गा रही थी और ये सब्जी बना रहा था और मैं पपीता काट रहा था, तो ये दूर था, मैं भी दूर था, हम दोनों ने ऐसे देखा और ये भी मेरी तरफ देख रहा है, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूँ कि क्या क्यों गाना गा रही है, बंद करना। तो हमने उस टाइम पे वो मूवमेंट शेयर किया कि हम लोग इतने कनेक्टेड हैं कि दोनों को सेम चीज ऑकवर्ड लग रही है और दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार आगे तक जाने वाली है ये चीज, तो मुझे पसंद है इंसान, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मनोवर क्या आप ऐड करना चाहेंगे, और हो सके तो अपनी शायरी वाली अंदाज में? नहीं दोस्त है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहूंगा, जहां भी उसको लगा होगा, जब बाहर जाएगा तो देखेगा, या नहीं भी देखा तो चलेगा, बट जो चीज उसने यहाँ पे महसूस करी हो, मैं उसको कभी बाहर महसूस नहीं होने दूंगा। एक शायरी वाले अंदाज में दोस्ती के लिए बोलता हूँ शायरी, अभी दिमाग में दोस्ती पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि क्योंकि हम दोनों के बीच में, क्योंकि मेरे अभिषेक के बीच में ये भी तो बैठी है ना। हाँ, हमको भी भूल गए, कोई नहीं। बड़े से पहले वीक में मेरे को बात बोली थी नॉमिनेट करने के बाद कि जब तू बाहर जाएगा ना तब देखेगा, मैंने कहा क्या देखेगा, अब जाके पता चल रहा है, जो पहले वीक में बोला था कि मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूँ तू बाहर जाके देखना।